नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋचा कमल। 70 सालों से चली आ रही कानूनी लड़ाई 40 दिन तक लगातार मैराथन सुनवाई के बाद आज अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बहुप्रतीक्षित फैसला आ गया है। राजनीतिक रूप से संवेदनशील राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ ने सर्वसम्मत यानी 5-0 से ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अब आपको जानने की उत्सुकता होगी कि कौन कौन वो जज थे जिन्होंने रामलला को जमीन पर मालिकाना हक दिलाने का फैसला सुनाया था। जस्टिस रंजन गोगोई। रंजन गोगोई 3 अक्टूबर 2018 को बने चीफ जस्टिस बनने से पहले गुवाहाटी हाईकोर्ट में जज थे। वे देश के 46वें चीफ जस्टिस हैं। सीजीआई रंजन गोगोई अगले हफ्ते 17 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। राम मंदिर का फैसला उनके जीवन काल का सबसे बड़ा फैसला है। उन्होंने पहले भी कई महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं। इनमें असम में एनआरसी लागू करने का आदेश और सरकारी विज्ञापनों में नेताओं की तस्वीरें छापने पर रोक के अलावा पवित्र धार्मिक पुस्तकों जैसे रामायण के नाम पर सेवा या सामान के ट्रेडमार्क का दावा न किए जाने का बहुचर्चित फैसला शामिल है। जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े। जस्टिस बोबड़े का सुप्रीम में 12 अप्रैल 2013 से 23 अप्रैल 2021 तक का कार्यकाल है। बोबड़े की सीजेआई गोगोई के रिटायरमेंट के बाद उनकी जगह लेने वाले हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस के बाद इस समय सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जज हैं। इसलिए आने वाली 18 नवंबर को वे चीफ जस्टिस का पद संभालेंगे। सुप्रीम कोर्ट से पहले बॉम्बे हाई कोर्ट और एमपी हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके थे। इनके फैसलों को देखें तो निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित करना, प्रदूषण नियंत्रण के लिए दिल्ली में पटाखों की बिक्री पर रोक जैसे बड़े फैसले शामिल हैं। जस्टिस अशोक भूषण। यूपी के जौनपुर से आने वाले जस्टिस अशोक भूषण इस ऐतिहासिक फैसले में शामिल हैं। इन्होंने भी अपना मत रामलला के पक्ष में दिया है। जस्टिस भूषण के बड़े फैसलों पर गौर करें तो इनमें इच्छा मृत्यु का अधिकार, दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकारों पर दिया फैसला शामिल है। वह आधार कानून के संवैधानिक परखने वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ में भी रहे। अयोध्या पर इस्माइल फारूकी केस में मस्जिद को इस्लाम का अभिन्न हिस्सा न मानने वाली टिप्पणी पर दाखिल पुनर्विचार की मांग को खारिज करने का फैसला भी इन्होंने ही दिया था। सुप्रीम कोर्ट में जज बनने से पहले केरल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर रोक जैसे विवादित फैसले देने वाले जस्टिस चंद्रचूड़ का फैसला भी रामलला के पक्ष में गया है। इससे पहले भी निजता को मौलिक अधिकार घोषित करना, 2 बालिकों के बीच समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना, आईपीसी की धारा 497 को समानता के हक का उल्लंघन बताते हुए असंवैधानिक घोषित करना, इच्छा मृत्यु के अधिकार आदि फैसले सुना चुके हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ बॉम्बे हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने से पहले जस्टिस चंद्रचूड़ इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। जस्टिस एस अब्दुल नजीर। जस्टिस एस अब्दुल नजीर 5 जजों के पैनल में एकमात्र मुस्लिम जज है। इनका नाम 3 तलाक के समय आपने सुना होगा। इन्होंने 3 तलाक के मामले में अल्पमत का फैसला दिया था। उन्होंने तत्काल 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित नहीं किया था, जबकि 5 सदस्यीय संविधान पीठ के 3 जजों ने बहुमत से फैसला देते हुए तत्काल 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित किया था। अयोध्या भूमि अधिग्रहण मामले में इस्माइल फारूकी की ओर से दिए फैसले में मस्जिद को इस्लाम का अभिन्न हिस्सा न मानने की टिप्पणी पर भी पुनर्विचार की मांग का समर्थन किया था। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने से पहले जस्टिस नजीर कर्नाटक हाई कोर्ट के जज थे।